हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उज़ैन अली और मैं हैदराबाद में रहती हूँ और अभी हुआ है 7:45 और मैं अभी उठी हूँ और रामकिन्ना को उठाएंगे। रामकिन्ना उठाने के बाद रामकिन्ना का कैसा रिएक्शन होता है और आज मैं पूरा ब्लॉग डालेंगे, तो आप लोग बने रहिए। और अभी मैं उठी हूँ, बारिश का मौसम है, रामकिन्ना का भी स्कूल छुट्टी दिया हुआ है, तो सुबह सुबह उठ के आज वीडियो स्टार्ट कर दिया और विराम कितना को उठाती हूँ। राम कितना, ए राम कितना, जा 7:30 बज गया, ए जा तो बैठो, उठ जा, 7:45 हुआ है, मुंह देखो, उठ जा। अच्छा 8 बजे कौन उठाता, उठ जा, मंदिर भी जाना पड़ेगा, उठ जा, आज मंदिर जाना है, 5 मिनट नहीं तब उठो, नहीं तो ये पानी पानी लगाओ क्या, उठ जा। नींद आवे, नींद आवे, मच्छर है, मच्छर है, मच्छर है, इसीलिए उठ जा बावली, पानी मारो, बस उठ जा, काम लगा। मैं रामकिन्ना उठा के आ गया, अभी बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ और आज सोमवार है, मंदिर जाने का बात है, देखती हूँ तो फटाफट से हम घर सफा करते हैं और उसके बाद मिलेंगे। गाइस देख लीजिए, मेरी पूजा हो गया और शिव जी का पूजा मैंने कर लिया, मंदिर भी जाएंगे, मंदिर जाने से पहले घर का पूजा करना भी ज़रूरी होता है। और रामकिन्ना क्या कर रही है वो आप लोग देख लीजिए, आप लोग रामकिन्ना को दिखाती हूँ। तो गाइस मैं पूजा कर लिया, शंख मेरे से नहीं होता तो मैं शंख रामकिन्ना को बजाने देती हूँ, आज रामकिन्ना आप लोगों को शंख बजा के सुनाएगा, तो अभी रामकिन्ना शंख बजाएगा। तो मैं पूजा कर लेती हूँ और शंख रामकिन्ना को बजाने देती हूँ, तो हमारा पूजा भी हो गया है और अभी हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं मंदिर जाने के लिए, तो देखते हैं। और हमारा आज शिव जी का पूजा, घर का पूजा हो गया है अभी, और देखते हैं मंदिर के लिए हम लोग। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा पीके फिनिश भी हो गया है गाइस। तो गाइस अभी मैंने बूस्ट पी रही हूँ, डायरेक्ट चार आजकल नए हैं, मैंने ही पी रही हूँ, दूध में बूस्ट पाउडर मिला लेती हूँ और पी लेती हूँ सुबह सुबह बिस्किट के साथ। और अभी नाश्ता वगैरह कुछ बनाया नहीं है, तो मंदिर जाएंगे, मंदिर से आके नाश्ता वगैरह बनाएंगे। तो गाइस हम लोग मंदिर जाने के लिए रेडी हो गया और ये मैं ले लिया पूजा का सामान, तो अभी जाएंगे सोनी में और रामकिन्ना हम मंदिर जाएंगे। तो इस बार हम लोग सावन महीने में मंदिर नहीं जा पाया क्योंकि हमारा मतलब ससुराल की तरफ से कुछ हुआ था, मतलब गुजर गया था, इसी कारण हम लोग नहीं जा पा रहे थे, तो इसीलिए आज सोमवार है, तो मैं मंदिर जाने के लिए कल रात से सोच रही और आज अभी जा रही हूँ मंदिर में। तो गाइस हम लोग मंदिर से आ गया है और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए वीडियो नहीं बनाया मंदिर में कुछ भी, तो हम लोग बहुत टाइम लग गया मंदिर से आने में, कम उधर 1 घंटा हमारा लग गया है और अभी आ गई हूँ। तो
कभी दिखाएंगे मंदिर, और दूसरी बार जाएंगे तो जब भीड़ भाड़ नहीं होगा तब दिखाएंगे। और दोपहर का टाइम हो गया है खाना बनाने का, और मैं आज बनाएंगे आसामीस, एकदम प्योर आसामीस रेसिपी, आसामीस डिश बनाएंगे जो हमारे आसाम के घर में हर घरों में वो खाना खाते हैं। और ये जो मैं सेल रही हूँ ना वो है अरबी, और उसके बाद मैं लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे, परवल की सब्ज़ी बनाएंगे, और ये भिंडी है, भिंडी फ्राई करेंगे, मतलब आसामीस स्टाइल में बनाएंगे मेरे खाना। और ये दाल भिगो के रखा वो क्या करेंगे बाद में बताएंगे। और ये देखिए अरबी को मैं अच्छे से सेल के फिर दाल में डाल दिया, और उसके बाद मैंने वो नमक डाल के उबालने लगा देंगे। और उसके बाद मैंने ये है लौकी एकदम बारीक बारीक काटा हुआ है जो मैं आसामीस तरीके से बनाएंगे, और आप लोगों को अगर वो रेसिपी चाहिए तो बता देना। और एक ये है पानी, पानी जो देख रहे हैं ये एक सोडा होता है जो हम लोग मतलब नमकीन वगैरह कुछ बनाने में जो सोडा यूज़ करते हैं ना, ये सोडा ही बोल सकते हैं, हमारा एसएमएस में बोलते हैं खार। और यही मैं बनाया है केले के सिलके से, केले से जो हमारा केले का छिलका वगैरह होता है ना उससे बनाते हैं, और केले का पौधा एक्चुअली छिलका नहीं सॉरी पौधा से बनाते हैं। मैंने ऑनलाइन से लाया था और उसी से मैंने बनाया, जो कॉल पसाला बोलते हैं ऑनलाइन में कॉल पसाला लाया था तो वो अच्छा नहीं आया, बल्कि मैं धूप में सुखा के वो सोडा बनाया हुआ है जो हम लोग ये सब्ज़ी में डालते हैं। अगर आपके पास अगर सोडा पाउडर है तो आप लोग सोडा पाउडर डाल सकते हैं। ये जो आसामीस रेसिपी है इसके लिए हमारे आसाम में सब लोग ऐसे बनाते हैं सोडा डाल के, और पपीता में भी डालते हैं सोडा। और लेकिन आसाम में जो सोडा यूज़ करते हैं ज़्यादातर कोला खार का बनाते हैं, कोल का खार बोलते हैं। तो हाँ, लौकी हो और कुमरा हो और पपीता की, कच्चे पपीता की सब्जी हो सोडा के बगैर नहीं बनाते। और मैं अभी डालेंगे ये सोडा, थोड़ा सा ऐसे सोडा डाल देंगे, इस टाइम मैंने हल्दी नहीं डालेंगे सोडा डालने से। और ये देखिए ये सोडा डाल सकते हैं ऑप्शन, अगर ये कोलाखार हमारा नहीं रहता तो ये सोडा डाल लेते हैं। और असम में एक कहावत है खार खो अखोमिया, और ये खार बोलते हैं हम लोग सोडा को, लिक्विड जो सोडा डाला है उसको खार बोलते हैं, और हमारा ज़्यादातर सब्ज़ी में वो डालते हैं और इसीलिए बोलते हैं खार खुआ अखोमिया। तो अभी ढक्कन डाल के मैंने ये सब्ज़ी को उबाल लिया, उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद ये हल्दी डाली, तुरंत तुरंत मैंने हल्दी नहीं डाला है। तो हमारे असम में जो ये लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं ना बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होता है और बहुत फेमस होता है, जब भी बनाते हैं ऐसे सोडा डालते हैं। अगर ये लौकी थोड़ा सा पुराना हो, दो चार दिन हो गया हो, अगर एकदम नया नया फ्रेश फ्रेश आता है तब तो नहीं डालते। सब्ज़ी बन गया, उसके बाद ये है स्पेशल दाल मेरी एकदम असमी स्टाइल में, एकदम बिना मसाला वाला अरबी दाल के बनाया हुआ है, बहुत ही टेस्टी था ये। और चावल लगा दिया, उसके बाद मैंने ये परवल फ्राई कर लिया। सब्ज़ी में मुझे परवल फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद आता है, हाँ ये लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते परवल, मेरे लिए खुद मैं लेके आती हूँ, मैं ही खाती हूँ परवल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ये दाल जो भिगो के रखा था इसका मैं बनाएंगे चटनी इमली के साथ, और एकदम तीखा वाला होता है ये चटनी, बहुत ज़्यादा होता है। इमली नहीं है तो नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू से भी बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है ये सब्ज़ी। और ये परवल इतना कड़क फ्राई करना चाहिए। और इसके बाद डालेंगे मैंने ये भिंडी, तो असम में मतलब एक दो सब्जी से इतना नहीं खाता, वैराइटीज बनाते हैं, अगर भेज में ही खाना है तो बहुत सारा आइटम। और ये है हमारा दाल वाला मसूर दाल का जो चटनी है ना, खट्टा खट्टा बहुत ही टेस्टी वाला चटनी है। और भिंडी को भी मैंने ये कड़क फ्राई करेंगे, भिंडी भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने सोनी को और जोबी को खाना खाने दे दिया, क्योंकि हम थोड़ी देर में खाएंगे राम की नंगी भाई आने तक टाइम है बोल के ये दोनों को खाना लगा दिया। और सोनी को मैंने खाना बनाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मुझे बनाना है आसामीस एकदम प्योर आसामीस डिश भेज वाला थाली, तो उसको भी तो मालूम होना चाहिए कि हमारे असम में कैसा भेज थाली होता है। और आइटम मैं ऐड कर सकती हूँ लेकिन ज़्यादा बना के फ़ायदा नहीं है, तो रामकिन्ना भाई हो ज़्यादा आइटम बनाते ये लोग खा नहीं सकते हैं, तो इतना ही मैंने बनाया है आज के डिश में। दाल बनाया, फिर भिंडी फ्राई किया, चटनी है, परवल फ्राई है, हरी मिर्च है, पापड़ है, और ये लौकी की सब्ज़ी है। ये हमारा आसामीस प्योर डिश है। अगर आप लोग होटल में भी आसामीस थाली नॉर्मल थाली अगर ऑर्डर करते हैं तो ये वाला थाली आपको मिलेगा खाने के लिए। फिर ननकिशोर आया, ननकिशोर आने के बाद फिर हम लोग भी खाना खा लिया, और ननकिशोर को दो सारा आइटम खाना ही नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं होता है उतना, बस एक आइटम होने से उन लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है, अच्छे से खा लेते हैं, ज़्यादा आइटम का आदत।
तो गाइज गुड इवनिंग, और अभी टाइम हुआ है 5:30 और मैं सो गई थी। सो के उठ के फिर मैंने नहा लिया और दूध लाने के टाइम हो गया है। राम की नगर में कुछ सामान लाने के लिए मार्केट भेजा, तो अभी देखिए वेदर बारिश आने का है। दिन में पूरा थोड़ा बारिश आ रहे थे और अभी उस टाइम थोड़ा रुका है, और बारिश के कारण हमारा घर में कपड़ा देखिए ये से बाहर घर के सामने ये से कपड़ा सुखा के रखा हुआ है। इधर भी पूरा कपड़ा 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 है। तो ये हाल है हमारा। तो कल से कपड़ा ऐसे तंगा के रखा है, तो कपड़ा हमारा सूखा नहीं है, अभी भी ये कपड़ा सूखा नहीं है। कल ही मैं धो के रखा था, तो अभी भी ऐसे ही है। तो वीडियो यहीं पे अब एंड करेंगे गाइस। मेरी ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, थोड़ा सा आप लोगों को मेरी डेली ब्लॉग दिखाया, और रात तक मैंने ये वीडियो कंटिन्यू कर सकती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। होप गाइस मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।